Not present. Muhtarama Shiza Fatma Khwaja. Shazad! Shazad. Shazad. Sir, Shazad, sir, Shazad. Shazad. Bahut shukriya, Janab Speaker. Ji, please. Sir, mera... question number, please. Sir, question number 43. Answer be taken as a supplementary, please. Ji. Sir, mera sawal ye hai ki February 2018 mein aate ki jo 20 kilo ki bori thi, hum 800 rupay pe chhod ke gaye the, aaj 908 rupay ki hai. Aur chini jo hai, wo hum 51 rupay pe chhod ke gaye the, aur aaj 80 rupay kilo pe jo hai, wo farokht ho rahi hai. Sir, jahan tak ek to mera sawal ye hoga ki ye jo massive price increase hai aur food inflation hai, और इसके अलावा जो पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं उनमें ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो थी वो तकरीबन 84% तक गई थी सर, सब्जियों और जो फलों की इन्फ्लेशन होती है. तो मेरा इनसे सवाल ये है कि ये जो फूड इन्फ्लेशन है इसका क्या जवाब है जो पिछले दो साल में हुई है, और जहाँ तक यूटिलिटी स्टोर्स का सर ये जो इन्होंने प्राइसेस दी हैं, पहली बात तो ये है कि किसी यूटिलिटी स्टोर पर ये 68 रुपीज़ का जो है वो आपको चीनी नहीं मिल रही थी. मेरे पास यूटिलिटी स्टोर्स के बिल्स पड़े हुए हैं जहाँ पे 72 से 74 रुपए के दरमियान चीनी फरोख्त हुई है. सर, दूसरी बात ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स के बारे में कंप्लेंस आई हैं और मीडिया में भी चल रहा है कि बजाय इसके ये कंज्यूमर को बेचें, ये दुकानदारों को बेचना शुरू हो गए हैं, ख़ास तौर पे चीनी जो है वो दुकानदारों को जो है वो कम प्राइस पे बेच रहे हैं, जो आगे मार्केट में 80 रुपए से ज़्यादा पे फरोख्त हो रही है. तो ये एक कम्प्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है. सर, तीसरी बात ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स की इस मुल्क के अंदर जो आपकी एक्सेस है वो 4% से कम लोगों को है. उनको इन्होंने कहा था 16 अरब से हम वो डबल कर देंगे, वो 16 अरब सब्सिडी किधर गई? और सर, मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल सर ये है कि चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर का बयान आया है कि कैबिनेट का अप्रूवल आया है कि हम 20,000 टन चीनी बगैर टेंडर के जहांगीर तरीन साहब से डायरेक्ट खरीदेंगे. सर, बेशक वो आज आपने डिसीजन वापस लिया है, लेकिन कैबिनेट इस तरह का अप्रूवल किस तरह दे सकती है? कोई पेपरा रूल्स हैं, कोई रूल ऑफ लॉ है इस मुल्क के अंदर जिसके ऊपर आप प्रोक्योर करें आप बगैर टेंडर के? आलिया हमजा मलिक, प्लीज. आलिया हमजा मलिक, प्लीज. बात Thank you. Speaker sahab, thank you, Speaker sahab, and thank you, Honorable Member. I was just waiting for this question कि मैं इसका reply कर सकूं. बहुत ही खुशी हुई है जब इन्होंने ये सर अब ये आराम से मेरी बात सुनेंगे और मुझे इतना ही मौका दिया जाएगा अपने मौकफ को बयान करने का जितने लंबे प्लीज. सर, सबसे पहले तो पूछा गया कि ये आटा कितने पर छोड़कर गए थे, आज कितने पर मिल रहा है? ये कहीं भी चले जाए 800 रुपए का 20 किलो आटा मिल रहा है. मैं एक सेकेंड. नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक प्लीज. बात करें जी. सर, इनके पास जहाँ जहाँ की रसीदें हमें ला दें, हम भी चले जाते हैं, ये भी चले जाएं, मीडिया वाले भी चले जाते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. इससे ज्यादा बड़ी ऑफर मैं कर नहीं सकती. अब आ जाए जी, इन्होंने कहा पेपरा रूल्स कहाँ हैं, और इनकी इसके लिए मैं बता दूं कि फूड आइटम्स की इन्फ्लेशन इस पिछले महीने के अंदर 2% और इस एक हफ्ते के अंदर 3% कम हो गई है. अगर मुझे ये पता होता कि यहाँ इन्फ्लेशन पर बात होनी है तो मैं इनको प्याज के रेट, आलू के रेट, आटे के रेट, दालों के रेट, सबके रेट बता देती. इन्होंने पूछा था यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से. यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से ये मैं इनको बता दूं कि 15 बिलियन की सब्सिडी दी गई थी, एक पहले दी गई, उसके अलावा 15 बिलियन की जो जून तक की सब्सिडी है उसमें 7 बिलियन की सब्सिडी वो है जिससे वहां पर चीजें खरीदी जाएंगी और बाकी पर मंथ की सब्सिडी है, उसका भी हम इन्हें हिसाब दे देंगे. फिर आ जाए चीनी के ऊपर. मुझे सिर्फ इतना याद पड़ता है सर कि ये मेरे पास एक टेंडर है और मैंने ये टेंडर इसी ऐवान के लिए आज मंगाया था, और मैं ये टेंडर ब्लैक एंड वाइट में दिखाना चाहती हूँ. हमने ओपन टेंडर किए जब से पीएम ने यूटिलिटी स्टोर के लिए पैकेज अनाउंस किया. मैं डेट बता देती हूँ आपको, हमें जो टेंडर रिसीव हुए इनके भी मिले हैं, हमें टेंडर 31/12 को
3/12/2019 को जो टेंडर रिसीव हुआ उसमें हमें 67 रुपीज़, 70 रुपीज़, 71 रुपये की चीनी दी गई जो एक्स मिल रेट था। यानी एक्स मिल रेट का मतलब ये है कि हमें 1 केजी के ऊपर इसमें 7 और 8 रुपये ऐड करना पड़ेगा। उस 1 केजी का मतलब ये है कि ये जो 7 और 8 रुपये 1 केजी पर होगा इसमें ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग सब कुछ इंक्लूड होगा। वो महीना गुजर गया, सबसे लोएस्ट रेट 67 के ऊपर हमने खरीदा, 70 के ऊपर खरीदा, 71 रुपये के ऊपर चीनी खरीदी, अवाम को हमने चीनी 67 रुपीज़ के ऊपर दी। फिर आ जाएं जनवरी के ऊपर, मुझे एक मिनट बात पूरी कर लेने दें, जनवरी के ऊपर आ जाएं, 24 को हमने एक टेंडर हमारा ख़त्म हुआ, अगली हमें ज़रूरत पड़ी 24 दिसंबर 2019 को और टेंडर लिया गया। हमें प्राइसेस क्या दी गई उन टेंडर्स में, 71 रुपये, 72 रुपये और इसी तरह की प्राइसेस आई और ये एक्स मिल रेट था यानी पर केजी, इस पे भी हमें 7-8 रुपये ऐड करना था यानी 80 रुपये की चीनी मिल रही थी और हम दे किस में रहे थे अवाम को 67 रुपीज़ में। अब आ जाए 14/1 यानी 14 जनवरी 2020 को हमें जो टेंडर आए 77 रुपीज़, 74 रुपीज़, 75 रुपीज़, हमने 74 रुपये वाला टेंडर लिया यानी एक्स मिल, उस पे भी 7-8 रुपये पर केजी पे किया, अवाम को हमने 67 रुपीज़ पर दिया। अब आ जाए जहांगीर तरीन साहब के ऊपर, उन्होंने ये ऑफर की ऑन रिकॉर्ड नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में कि मैं 20,000 टन चीनी 67 रुपीज़ पर दूंगा। 67 रुपीज़ का मतलब ये है कि इस अगर मेरे पास ये जो टेंडर आया और अभी जो 4 मार्च को टेंडर आया हुआ है उसमें मुझे जो यूटिलिटी स्टोर्स की प्राइसेस मिल रही हैं चीनी की पर केजी 81 रुपीज़ मिल रही हैं, मेरे पास कोई ऐसी या मेरी हकूमत के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं 81 रुपये की चीनी खरीदूं, 7 से 8 रुपये पर केजी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दूं, उसकी बजाय ये कहा गया कि 20,000 टन हमें 67 रुपीज़ पर मिल रही है। तो हम ये करते हैं क्योंकि वो टेंडर का हिस्सा नहीं था तो कहा यह गया कि पेपरा रूल्स की बजाय डायरेक्ट लिया जाए, लेकिन हुआ क्या, जो इस सारे मतलब ये ऑपोजिशन क्या आवाम की नुमाइंदगी करती है या सिर्फ ये पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने की कोशिश करती है? सप्लीमेंट्री प्लीज। सप्लीमेंट्री स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये अभी जब जवाब दे रही थी तो इन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि मैं इतनी कीमत पे 20,000 टन चीनी सप्लाई करूंगा, तो ये इसका मतलब है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये जखीरा अंदोज है जिसके पास 20,000 टन चीनी मौजूद है। स्पीकर साहब, ये वज़ीर आज़म हाउस में बैठता है, इसके खिलाफ यहाँ से कमेटी बनाई जाए और एक इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरा जो मैं सवाल करना चाहता हूँ वो ये है कि जो पाकिस्तान स्टेटिस्टिक ब्यूरो है उसकी आदाद व शुमार के मुताबिक जो फूड इन्फ्लेशन है वो मई 2018 में 1% थी और आज इस हुकूमत के 16 माह के बाद 24% है और रूरल देहाती इलाकों में इससे भी ज़्यादा है। तो ये जितने आदाद व शुमार हैं, मैं इस हाउस पे चैलेंज करता हूँ, जो इन्होंने जवाब दिया मेरे साथ यहाँ 2 घंटे की मुसाफत पर आप चले जाएँ, अगर ये एक कीमत भी साबित हो जाए तो स्पीकर साहब एक कमेटी बना दें, जो सजा आप दें वो हम दें। इस हाउस पे झूठ बोलना बहुत गलत है। आलिया हमजा मलिक प्लीज। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर सर। अच्छा, ये सारे सवाल मैं तो कहती हूँ पूरे ऐवान को कहें कि इस पे सवाल पूछे ताकि एक दफा पता चले शुगर माफिया है कौन, अवाम को भी पता चले। सर, 1 लाख बोरी निकली थी शुगर की कहाँ से, सिंध से मंसूर वसान साहब के स्टॉक से। 25,000 की बोरी निकली थी चौधरी शुगर मिल से, तो स्टॉक्स किसने किए हुए यहाँ पर? ये कैसी बातें करते हैं, आकर क्यों ये मिसलीड करते हैं? मैंने जब बता दिया ये मुझे कहीं से इनकी अपनी शुगर मिल रही है ना, ये हमें ला दे 67 रुपीज़ की चीनी, हम खरीद लेंगे। एक बंदा अपना नुकसान करके आपको 67 रुपीज़ की चीनी दे रहे हैं, आप कहते हैं अवाम को हम 81 की चीनी दे दें, साथ हम उसके अंदर 8-9 रुपये पर केजी ऐड कर दें यानी 90 रुपये की चीनी खरीदें और हम सब्सिडी दें, अवाम से लूटें यानी अवाम पे टैक्सेस लगाएं और अवाम को ही रिलीफ दें। ये ऐसे हकूमत नहीं चलती, सच बताएं अवाम को, ये मत बताएं स्टॉक आप करें, महंगी चीनी आप दें और इल्जाम आप पीटीआई पे लगाएं, ये नहीं चलेगा। थैंक यू। क्वेश्चन आवर इज ओवर। ये लीव एप्लीकेशन है मिस मायजा हमीद, सरदार अयाज सादिक साहब।
مسٹر محمد ریاض ملک، میاں ریاض حسین پیرزادہ، مسٹر محمد فاروق اعظم ملک صاحب، مسٹر رفیق احمد جمالی، رانا محمد قاسم نون، مسٹر عبد الواسع، مسٹر علی وزیر، مسٹر محسن داور ہیز ریکویسٹڈ فار دا گرانٹ آف لیو، از لیو گرانٹیڈ؟ گرانٹیڈ۔ آئٹم نام جی، آئٹم نمبر میں آتا ہوں، وہ اس کے اوپر آج نہیں، آج چونکہ ہم صرف زینت الرٹ۔ آئٹم نمبر تھری مس کشور زہرا، اس کے بعد ہم لے لیں گے اس کو، وہ بل کی بات کریں، اس کے بعد لے رہے ہیں۔ شکریہ چیئرمین صاحب۔ وزیر برائے خزانہ و محاصل کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلائیں گے، جو ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن کی احسن کارکردگی کے باوجود نجکاری سے متعلق ہے۔ جی